आज बड़ी खुशी की बात है कि आज के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लघु जल संसाधन विभाग के 715 करोड़ की राशि से 628 सिंचाई योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया जा रहा है और हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार को आगे बढ़ाने में संकल्पित हैं और पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कई माइलस्टोन्स बिहार ने अचीव किए हैं, चाहे हर घर बिजली की बात हो, सड़कों की बात हो, शिक्षा विभाग की बात हो, चिकित्सा विभाग की बात हो, और ये मुख्यमंत्री जी की बड़ी ड्रीम प्रोजेक्ट है। और ये बात सही है कि जल है तो जीवन है, और इसको ध्यान में देखते हुए एक फ्यूचरिस्टिक सोच के साथ आगे भविष्य में प्रकृति का बैलेंस बना रहे एक ड्रीम प्रोजेक्ट योजनाएं जो जल जीवन हरियाली के तहत जो माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि हर खेत में सिंचाई की व्यवस्था की जाए, मुझे पूर्णतः विश्वास है कि कई माइलस्टोन्स इनके नेतृत्व में हम लोगों ने अचीव किए हैं। कुछ काम जो बाकी हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा जो है मुख्यमंत्री जी का सपना भी है कि हर खेत जो है सिंचाई की व्यवस्था कराएं समय रहते, मुझे पूरा विश्वास है कि इनके नेतृत्व में उस मुकाम को भी हम लोग हासिल जरूर करेंगे। और बिहार जो है कृषि प्रधान राज्य है, ज़्यादातर लोग कृषि से निर्भर रहते हैं और सभी लोगों की चिंता, माननीय मुख्यमंत्री जी की चिंता किसानों को लेकर के, सिंचाई को लेकर के, जो आज के हालात हैं जहां ग्लोबल वार्मिंग जैसी स्थिति है, वहां वाटर लेवल जो कम हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए हर एक बिंदुओं पर माननीय मुख्यमंत्री जी और लघु जल संसाधन विभाग की भी नज़र है, तो कहीं कमी जो रोड मैप तैयार किया गया है कहीं कमी ना रह जाए। तो इसलिए आज जो योजनाएं जिसकी शिलान्यास उद्घाटन हुआ है तो काफ़ी हद तक लोगों को जो है इसमें मदद मिलेगी, किसानों को मदद मिलेगी, आमजनों को मदद मिलेगी। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, माननीय विभाग के मंत्री जयंत राज जी को धन्यवाद देते हैं और लघु जल संसाधन विभाग के जितने अधिकारी हैं उन सभी को धन्यवाद देते हैं। और आज पूरे बिहार के हर जिले से अधिकारी भी जुड़े हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, महागठबंधन की सरकार जो काम है जनता का, उसमें दिन रात लगी हुई है कि जनता के समस्याओं का समाधान किया जाए, लेकिन आज सभी अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। हम लोग काम करने में विश्वास रखते हैं, लेकिन कुछ समाज में ऐसे लोग हैं जो माहौल को जो है समाज में जहर बोने का काम कर रहे हैं, आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। तो सभी लोग यहाँ बैठे हैं, उन सबसे भी मेरा आवेदन होगा, अपील होगा कि जो नकारात्मक सोच के लोग हैं और जो माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं उनको भी चिन्हित करके कार्रवाई करने का काम किया जाए। और बिहार जो है महात्मा बुद्ध की धरती रही है, सूफी संत मखदूम साहब की धरती रही है और अमन चैन जो है यहाँ के लोग हमेशा अमल करते हैं। तो इसलिए आप सब लोगों का इस कार्यक्रम में आने पर आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और जो आधा अधूरा जो काम बचा हुआ है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी लोग मिलजुल करके बाकी बचे हुए कार्य को समय रहते हुए पूर्ण करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बातों को मैं विराम देता हूं। आप सब लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।